मां शांति देवी हूँ, जदन में रहने वाले हूँ। उसे वहाँ पर एक छोटा सा गांव है, मापरू में आई हूँ। यहाँ मेरी बेटी रहती है, वो नगर पहली पहली बहुत 8 साल से मेरा गोड्डा ढुकड़ा में दर्द था। मैं डॉक्टर आ जाती, इंजेक्शन लगाम था, गोलियाँ खा लेती, दर्द वहीं जहाँ आ जाऊँ तो फिर मैं न दो मनाऊँ और दर्द हो जाता। और डॉक्टर का जाके भाई गोलियाँ इंजेक्शन लगा देती, कोई फायदा ही नहीं। बड़े 8 साल से दर्द था। फिर यह नानक यहाँ मेरी बेटी रहती है नागौर, नागौर बुलाई मैंने, बोले यहाँ मम्मी तो यहाँ आई तो मैं यहाँ के डॉक्टर घर पर देख के गया तो बोले माजी गोड़ा खराब हो रहा है बिल्कुल ही, बैठा उठा कुछ बिल्कुल ही गुन जाता। मैं वहाँ पर गई हॉस्पिटल में गई, न सीढ़िया चढ़े जाता न और तो न उकड़ू बैठा जाता न नीचे बैठा जाता। और मैं डॉक्टर के पास गई, 2-4 दिन तो मैं एक दिन अकड़ो रही, एक्सरसाइज करी वो करी, फिर आस्ते 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 मैं घर पर भी करती वहाँ पर भी करती। 1-1.5 महीना लगातार हॉस्पिटल में गई। वहाँ पर जाने के बाद में मेरा शरीर क्यों नरम हो गया, यम हो गया। और डॉक्टर राजकुमार है बहुत बढ़िया का है, नागौर में है रहने वाले में बहुत बढ़िया है। एंड बेचारे को भलो जिंदगी मेरे बहुत आराम होया है भी। और रामदेव रह गई वहाँ पर घुटना में दर्द हो, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती, 100 सीढ़ियाँ में चढ़ चढ़ उतर के आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे दर्द में। न सूझना आया ये गोड्डा है मेरा इतना सुधरिया, ये गोड्डा भी मेरा आराम है, मुड़ता है, सब कुछ करता है। बापड़ा को बोलो राजकुमार को डॉक्टर को मेरे को बहुत धन्यवाद है, उन्हें मेरे को बहुत जल्दी ठीक करी है। 1 महीना 1.5 महीने में लगातार मैं एक्सरसाइज करी है और मैं भी खूब भागू हूँ, खूब बैठी हूँ, आराम रहूँ हूँ। और यहाँ शरीर मेरा पूरा ठीक है, खाना खाती हूँ, सब कुछ है, कोई टेंशन नहीं है, मेरा बिल्कुल आराम है। राजकुमार डॉक्टर जी को बोलो मैंने ठीक करी जल्दी से जल्दी, और धन्यवाद है डॉक्टर जी ने, मैं बहुत अच्छी हूँ, आत्मा खुश है मेरी, उनका धंधा चल रहा है आराम। आजकल की दौड़ भाग भरी जीवन शैली में लकवा, पार्किंसन और स्पाइनल चोट यानी कि रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर जैसी बीमारियों किसी भी व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख देती है। शारीरिक श्रम की कमी, गलत तरीके से उठने बैठने और गलत खान पान की बदौलत घुटना दर्द, कंधा दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क,
सर्वाइकल जैसे दर्द से हर एक व्यक्ति परेशान है। इसी प्रकार बच्चों में भी आजकल एक बीमारी ज्यादा देखने को मिल रही है। बच्चे 15 माह या उससे अधिक उम्र के होने के बावजूद गर्दन नहीं संभाल पा रहे हैं, पैर टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं और चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो वह सर्बल पालसी से ग्रस्त है। इन सभी बीमारियों का इलाज बिना ऑपरेशन अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धतियों से जैसे फिजियोथेरेपी, ड्राई नीडलिंग, कायरोप्रैक्टिक, एक्यूपंचर, ऑस्टियोपैथी, मैनुअल थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी द्वारा अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों से बिना ऑपरेशन संभव है। अगर आप या आपका परिचित भी इन बीमारियों से ग्रस्त हैं और अगर किसी मरीज ने ऑपरेशन करा लिया है और फिर भी उनको लाभ नहीं हुआ है, तो एक बार अवश्य अपनी जांचों के साथ तुरंत संपर्क करें डॉक्टर राजकुमार बारोड़िया, फिजियो न्यूरो विशेषज्ञ, लकवा हड्डी एवं जोड़ दर्द, स्थान ऑर्थो न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर, रोडेज बस डिपो के पीछे, डहर रोड, नागौर, राजस्थान। संपर्क सूत्र 94-13-51-96-34।